कानपुर के एक संस्थान की एक छात्रा ने जब प्रोफेसर की कारगुजारी की उजागर की तो मच गया हड़कंप। जो चेहरे पर शराफत और प्रोफेसर होने का फायदा उठाते हुए कर रहा था तंग, छात्रा के आरोप इतने संगीन है कि शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने का आरोप प्रोफेसर पर लगा। लेकिन जब प्रोफेसर अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आया तो पीड़ित छात्रा ने पुलिस से शिकायत की। देखिए प्रोफेसर का केबिन वाला कलंक। शिक्षा के मंदिर में पार, स्टूडेंट ने लगाए टीचर पर आरोप, टीचर पर लगे अश्लील हरकतें करने के आरोप। कानपुर के स्टैफ HBTI संस्थान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक छात्रा ने अपने टीचर के चेहरे पर पड़ी शराफत की चादर को हटा दिया और लगाए हैं कई गंभीर आरोप। आरोप भी ऐसे जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाए कि कैसे बेटी समान छात्रा को एक टीचर कर रहा था अश्लील इशारे। AKTU से संबद्ध स्टेप HBTI में छात्रा ने अपने टीचर पर गंभीर आरोप लगाए। शारीरिक और मानसिक शोषण करने का आरोप लगाया गया है असिस्टेंट टीचर संजीव मिश्रा पर। असिस्टेंट प्रोफेसर संजीव मिश्रा ने अपनी सफाई में साफ तौर पर सारे आरोपों को नकार दिया है, लेकिन कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। स्टेप HBTI का जो प्रबंधन है वो छात्रा से लगातार संपर्क कर रहा है, जो कि छात्रा अस्वस्थ है इसलिए वो अभी तक बातचीत नहीं कर पाई है। लेकिन छात्रा के परिजनों ने बातचीत करी है और लगातार उनका आरोप है कि प्रबंधन भी उन पर दबाव बना रहा है और जो आरोपी असिस्टेंट टीचर है संजीव मिश्रा वो भी तमाम प्रयासों के साथ प्रबंधन के साथ साथ दबाव बनाने में जुटा हुआ है। दरअसल स्टेप HBTI संस्थान में पढ़ने वाली एक छात्रा ने आरोप लगाए कि असिस्टेंट प्रोफेसर संजीव मिश्र की नीयत ठीक नहीं। संजीव मिश्र पर छात्रा को अश्लील इशारे करने के आरोप, जबरन वीडियो और ऑडियो कॉल के आरोप, कॉल के दौरान अभद्र टिप्पणी करने के लगे आरोप, केबिन में बुलाकर अश्लीलता करने के आरोप। दरअसल मेरे साथ जो उत्पीड़न का मामला हुआ था जो स्टेप HBTI के प्रोफेसर असिस्टेंट संजीव मिश्रा के द्वारा किया गया, उसके लिए मैंने जब VC के पास भी कंप्लेन करी, प्रिंसिपल के पास भी कंप्लेन करी, जब तक कोई सुनवाई नहीं हुई इसके कारण मुझे कमिश्नर ऑफिस आना पड़ा और वहाँ से मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मुझे लगता है कि मेरे पक्ष में अगर चीज़ें जाती हैं, मुझे न्याय मिलता है तो ये सिर्फ मेरे ही जीत नहीं होगी, ये सारी उन लड़कियों की जीत होगी जो या तो आने वाली हैं या जिनके साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं पहले भी। पीड़िता का आरोप है कि ये सिलसिला लंबे वक्त से चला आ रहा है। केबिन में बुलाकर असिस्टेंट प्रोफेसर संजीव मिश्र ने अश्लीलता करने की कोशिश की तो कई बार अपने प्रेम का इजहार कर गले लगाया, जिसके बाद वो लगातार अवसाद में जाने लगी। यही नहीं, छात्रा का आरोप है कि संस्थान में संजीव मिश्र की छवि बेहद खराब है। पहले भी महिला टीचर से कर चुके हैं अभद्रता, कई सीनियर छात्राओं को कर चुके हैं परेशान। संजीव मिश्र की हरकतों से अनजान नहीं है संस्थान। पीड़ित छात्रा ने बताया कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर संजीव मिश्र की हरकतें नहीं रुकी तो 9 जुलाई को AKTU के VC से ऑनलाइन और स्पीड पोस्ट के जरिए शिकायत की। यही नहीं, सारे सबूत ऑनलाइन शिकायत में अटैच करके भेजे गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज कॉलेज प्रशासन ने बुलाया था मुझे, मगर हम वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पर मुझे मेरे ऊपर अनावश्यक का दबाव बनाया जा रहा था कि केस वापस ले लिया जाए और मैंने उनसे साफ इनकार कर दिया मैं केस किसी भी सूरत में वापस नहीं लूँगा। मेरे साथ जो भी हमारी शिक्षा साथ घटना घटित हुई है मैं उसको अंतिम दम तक लड़ूंगा। वहीं पीड़ित छात्रा के आरोप के बारे में जब असिस्टेंट प्रोफेसर संजीव मिश्र से बात की गई तो कैमरे के सामने आने से वो भागते रहे और पीड़ित छात्रा की पहचान बताने की बात कहते रहे। कुछ नहीं, इतना भरोसा करो मेरे ऊपर, आपके पास कहां से पहुंची शिकायत है? हम तो VC ऑफिस से पता था। किसने बताया? बहुत सारे लोग होते हैं बस, अभी तो नहीं है सर कुछ, ताकि भैया हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, इस मुद्दे पर बर्बाद हो जाएंगे, इसको कैसे रोकना है ये बताओ। अगर आप तक है केवल तो प्लीज खत्म करो इसको, अगर आप तक है। और उस लड़की को मैं जहां बोलूं वैसे, अगर उसको लगता है ऐसा कुछ नहीं है हालांकि जिसकी बात आप कर रहे हो, फिर भी मैं सॉरी बोलना चाहता हूं। वही पीड़ित छात्रा का आरोप है कि जब उनकी शिकायत पर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो पुलिस कमिश्नर असीम अरुण से शिकायत की गई, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए गए। मेरे पास एक छात्रा ने शिकायत की है जो कि स्टेप HBTU एक अग्रणी संस्था है, वहाँ की छात्रा है। उनके एक शिक्षक द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न का अपराध किया जा रहा था। इसको गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक FIR दर्ज किया गया है। एक महिला इसकी विवेचना करेंगी और जो दोषी हैं
उनके खिलाफ जिस प्रकार के साक्ष्य मिलेंगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले ने संस्थान में हड़कंप मचा दिया है। तुम्हें पीड़ित छात्रा अब शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाले प्रोफेसर को बेनकाब करने पर अड़ी हुई है, लेकिन इस मामले के बाद मानव संस्थान के जिम्मेदारों ने चुप्पी साध ली। एक फेसबुक पेज है और उसमें फेसबुक पेज में पोस्ट की गई है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि असिस्टेंट टीचर का जो रवैया था, जो रुख था लड़कियों के प्रति, वो ख़राब था। शायद इसीलिए जब लड़के और लड़की, छात्र और छात्राएं उनके पास जाते थे तो छात्राएं छात्रों के पीछे छिप जाया करती थीं। ये बड़े ही सनसनीखेज आरोप हैं जो फेसबुक पेज के थ्रू लगाए जा रहे हैं। हालाँकि इस मामले में ये भी कहा जा रहा है कि प्रबंधन अब एक कमेटी गठित कर सकता है, 5-6 लोगों की कमेटी गठित की जा सकती है और उस कमेटी के को जिम्मेदारी दी जाएगी इस पूरे प्रकरण की जांच की। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।